हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को अंग्रेजी के पेपर को ट्रिक के माध्यम से हल करना सिखाएंगे, ठीक है। आप अंग्रेजी का जो क्वेश्चन होता है उसका यदि आप हिंदी नहीं भी समझते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से उसे आप कैसे हल कर सकते हैं। ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको अंग्रेजी से संबंधित जो प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है अनुक्रमांक, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिखना रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। समझ में आ गया, ये पेपर का सेट होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया, कुछ निर्देश दिए जाते हैं। यहाँ पे समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। आपको पूरा अंक रहेगा, टोटल 70 नंबर का रहता है। देखिए इस इंस्ट्रक्शन में मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, वो केवल बता देते हैं। देखिए आपको जो 15 मिनट रहता है इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए समय दिया जाता है। सभी प्रश्नों को करना आपको कंपलसरी होता है। और इस जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा इसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, ठीक। पार्ट ए में 20 मल्टीपल च्वाइस यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहता है, ठीक है। अब देखिए आपका मेन दूसरा पॉइंट क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा आप, इसका कोई मतलब है नहीं। ये देखिए पार्ट बी जो है इसमें 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न अर्थात डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं जिसका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका पर देना रहता है। इस सबका मतलब ये था, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को आपको दिखाते हैं। आप बिना पढ़े भी या जिस प्रश्न का आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है उसका आंसर आप ट्रिक के माध्यम से कैसे दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अब प्रारंभ होता है आपका पार्ट ए जिसमें 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर है 1 से 3 तक, यानी कि देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ से संबंधित 3 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ये आपके सामने पैराग्राफ है, मान लीजिए सामने जब पैराग्राफ आ जाएगा इसका हिंदी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस पैराग्राफ का हिंदी क्या है, मतलब इसका मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप देखिए कितना आसान तरीका से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए देखिए आपको बताते हैं वो तरीका क्या है। इस वीडियो को देख लेते हैं तो कहेंगे बहुत ज़बरदस्त का ट्रिक सर जी बताए हैं। और मेरा मेहनत यदि आपको पसंद आएगा ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक ध्यानपूर्वक केवल आपके इंग्लिश माध्यम में जैसे लिखा उसी तरह पढ़ लेना है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को दिखाते हैं और आंसर निकाल के आपको देखिए सटीक तरीका से बताएंगे। जैसे देखिए प्रश्न आपका है कि वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज। अब क्या करेंगे, ये है आपके सामने ना, इसको आप खोजेंगे। पहले इसका ऑप्शन भी देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए ऑर्फन दिया है, डिपेंडेंट दिया है, इंटेलिजेंट दिया है, हिज फादर दिया है। अब इन शब्दों को खोजेंगे और ये लाइन खोजेंगे, ये लाइन है कहाँ पे, किंग आप दे रही इन सच ए यंग एज। चलिए पढ़ते हैं, देखिए अकबर वाज ए बॉय ऑफ 13 वेज व्हेन ही बिकम द किंग ऑफ दे रही। देखिए किंग ऑफ दे रही दिया था ना, द किंग ऑफ दे रही इसके आगे पढ़िएगा, एट द टाइम व्हेन अकबर वाज बॉर्न हुमायूं हिज फादर। देखिए शब्द मिला कि नहीं मिला, ठीक, यहाँ पे हिज फादर। अब ऑप्शन में देखिए आपको ऑप्शन में ही हिज फादर देखने के लिए मिलेगा। देखिए आरफन है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, डिपेंडेंट है ये ऑप्शन नहीं होगा, इंटेलिजेंट है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हिज फादर मिल रहा है जिसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप पैराग्राफ से कितना आसान तरीका से इसका आंसर आप निकाल चुके हैं। इसी तरह सभी प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं, पैराग्राफ पढ़ पढ़ के आपको उसमें आंसर निकाल के सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप आसानी से बोर्ड के एग्जाम में इन सभी प्रश्नों को कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाट डिड अकबर लाइक। अब देखिए अकबर है लाइक, यहाँ पे देखिए क्या है आपका लाइक है, लाइक शब्द पहले नंबर पर खोजना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेइंग विथ हिज क्लोज फ्रेंड, राइडिंग चेस। अब देखिए इसको चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं और खोजते हैं कहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ तक हो गया ना, तो अब इसके आगे ही इसका आंसर मिलेगा। तो वाज वंडर इन
सीन बिकॉज ही हैड बीन डिफीटेड बाई शेर शाह व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड ही वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट एंड वाज ब्रॉट। आपको क्या खोजना है ये भी ध्यान दीजिए, लाइक शब्द खोजना इस प्रश्न के लिए, क्या खोजना लाइक। अब देखिए लाइक कहाँ पर लिखा है, पढ़ते चले जाइए। अप इन परसिया बाई बैरम खान अकबर केम बैक टू इंडिया विथ हुमायूं सून हिज फादर डायड वेन, देखिए इवेन एज यंग मैन अकबर लुक लाइक ए किंग ही वॉज अबाउट 5 feet 7 inches टॉल एंड हैड ए स्ट्रांग बॉडी ए ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म ही लाइक, देखिए मिला कि नहीं यहाँ पे लाइक, और लाइक के आगे देखिए क्या दिया है राइडिंग, और यही ऑप्शन में आपको राइडिंग दिया है। चलिए ऑप्शन को दिखाते हैं आपको, ये देखिए आपके सामने देखिए राइडिंग दिया ना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सी वाला। तो देखिए कितना आप आसान तरीका से आंसर निकाल रहे हैं, इसी तरह सभी प्रश्नों का आपको हम सिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, अब ये समझ में आ गया ना, लाइक दिया तो लाइक क्या, अगर राइडिंग लिखा है तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा राइडिंग। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो लिखा नहीं इसलिए नहीं होगा, चेज नहीं लिखा है और ये भी नहीं लिखा है, इसका मतलब आपका राइडिंग वाला सही हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका से निकाले। अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नैरो, नैरो का अपोजिट बताना है। देखिए नैरो का मतलब होता है पतला, नैरो का मतलब क्या होता है पतला, मान लीजिए इसका मतलब नहीं पता है। अब इन शब्दों में से आप खोजेंगे, चलिए खोजते हैं और देखते हैं। अब चलिए पढ़े थे आपने, देखिए यहाँ पे कहीं पे मिला था ब्रॉड, देखिए स्ट्रांग बॉडी ब्रॉड ये मिला है ना, ये ऑप्शन में आपको मिल जा रहा है तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ब्रॉड है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ट्रिक आपको यदि पसंद आ रहा और मेरे द्वारा बताया गया मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी कि ये आपके सामने इसमें से आपको आंसर का चूज करना है। देखिए कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, अब ऑप्शन में विल एंटर, देखिए जब इस प्रकार का बिफोर वाला होता है तो इस प्रकार के वाक्यों में, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैव लेफ्ट भी लिखा है तो इस प्रकार के वाक्यों में देखिए आपको क्या भरना रहता है, हमेशा आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही भरना रहता है, तो टीचर के बाद क्या भरेंगे इंटर्ड भरेंगे, क्या भरेंगे इंटर्ड भरेंगे, तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब अगला नंबर देखिए, 5वां नंबर का क्या है सवाल, कि इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर, ठीक है डॉट 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 दिया, यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यदि तुम, यदि इफ़ यू वांट समथिंग मोर, यानी कि यदि तुम समथिंग मोर यानी अत्यधिक चाह रखते हो, तो क्या रखते हो किसी चीज़ की अत्यधिक चाह रखते हो, यू आर तो उसे क्या बोलेंगे, डिससेटिस्फैक्ट्री बोलेंगे, डिससेटिस्फाइंग बोलेंगे, डिससेटिस्फाइड बोलेंगे या डिससेटिस्फैक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार के वाक्यों में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसे डिससेटिस्फाइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो व्यक्ति क्या होता है डिससेटिस्फाइड होता है यानी संतुष्ट नहीं होता है, यहाँ पर डिससेटिस्फाइड, देखिए आप बार बार इस शब्दों को बोलते होंगे, इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते होंगे, डिससेटिस्फाइड यहाँ पर क्या भरेंगे आप डिससेटिस्फाइड ही भरेंगे, ठीक है। अब डिससेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फाइंग या डिससेटिस्फैक्ट्री ये कभी शब्द का यूज नहीं किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं डिससेटिस्फाइड बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए अगला नंबर का सवाल आप कैसे हल करेंगे, ये आपके सामने जबरदस्त का प्रश्न है आपका, देखिए क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इन शब्दों को अलग अलग करके दिया है, आपको इसमें क्या करना है इसका आंसर खोजना है। देखिए आप कैसे ट्रिक के माध्यम से खोज सकते हैं, देखिए आप जब इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं तो हो सकता है हल्का फुल्का नॉलेज हो आपके पास, देखिए पहले नंबर तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क सब प्रश्न के लास्ट में है, ठीक है यहाँ तक सही है। अब देखिए आप कैसे पता करेंगे, देखिए आपका वाई प्रश्नवाचक शब्द है ये भी आपका सही है, यानी कि वाई वाई दिया है, अब देखिए जब यहाँ पे दिया विल दिया है और हैव दिया है तो आपको पता है कि प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद आपकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या है विल है ना, तो वाई के तुरंत बाद आपके क्या आना चाहिए विल आना चाहिए। अब प्रश्न खोजिए, देखिए विल कहाँ पे दिया है, यहाँ पे नहीं दिया इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, वाई के बाद विल दिया है ना इसका मतलब ये वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लीजिए, वाई के बाद हैव दिया है ये गलत हो जाएगा, वाई के बाद क्या दिया आपका
डियर दे दिया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही जवाब होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से आप आंसर निकाल चुके हैं, समझ में आ गया ना। चलिए अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी कि आपको बताना है ये चार ऑप्शन है इसमें से किस ऑप्शन में आपका स्पेलिंग गलत दिया है, ये बताना है आपको। अब देखिए कमांडर, अब कमांडर शब्द बोलते हैं तो कमांडर तो सही है, स्पेलिंग इसका सही है, कमर्शियल का भी स्पेलिंग सही है, कमिश्नर का भी स्पेलिंग आपका सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कमांडेंट लिखा है, क्या लिखा है? कमांडेंट, यहाँ पर क्या हो कमांडर लिखा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कमांडर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस स्पेल्ड कौन से इसमें से है? कमांडेंट। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या है, आठ नंबर का, कि बॉयज वियर जंपिंग द पॉन्ड। देखिए कहने का मतलब है कि लड़का क्या करता है कि तालाब में कूदते हैं, तो जब कोई व्यक्ति बाहर से अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ प्रीपोजिशन के तौर पे क्या प्रयोग किया जाता है? इन टू का, ये आप लोग पढ़े होंगे, इन टू का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में देखिए इन दिया है, बिटवीन दिया है, अपान दिया है या इनटू, जिसका सही जवाब क्या होगा? इनटू। देखिए आप याद रखिएगा, जैसे आप नदी में कूद रहे हैं जंपिंग इनटू द रिवर यूज किया जाता है, या आप इनटू द क्या कहते हैं रूम में प्रवेश, बाहर से रूम में प्रवेश करते हैं तब भी इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो जंपिंग के लिए याद रखिएगा कि इनटू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा क्या प्रयोग होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर पैराग्राफ से आ गया, फिर वही ट्रिक आपको अपनाने वाले हैं और बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे और अच्छे तरीका से सीख सकते हैं, तो इस वीडियो के एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा छात्रों, ठीक है। आप इसको जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आप किसी प्रकार के अंग्रेजी के पेपर को आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो, यानी कि जो पैराग्राफ या पैसेज दिया है इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ के इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको देना है। देखिए कैसे देंगे, चलिए ये पैराग्राफ आपके सामने है, पैराग्राफ एक लेला देख लीजिए, पहले आपको प्रश्न दिखाते हैं फिर पैराग्राफ से आंसर कैसे निकालना है वो अभी आपको सिखा देते हैं। देखिए क्या है, द पोस्ट मास्टर एंसर द लेटर। अब ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद पैराग्राफ को पढ़िएगा। एज ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर, एज ही वॉज ड्यूटीफुल, एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू हेल्प द राइटर। अगला ऑप्शन आपका है कि ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और खोजते हैं पोस्ट मास्टर एंसर द लेटर कहाँ पे दिया है। अब देखिए इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, सो इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर्स फैथ इन गॉड, देखिए फैथ इन गॉड दिया था ना ऑप्शन में, ये पैराग्राफ को पकड़ के रखिएगा, आगे पढ़ते चले जाइएगा। द पोस्ट मास्टर केम अप टू विद एन आइडिया एंसर द लेटर, देखिए यहाँ फुल स्टॉप हो रहा है, एंसर द लेटर। देखिए ये वाला ऑप्शन आप देखेंगे, ये पैराग्राफ में ऑप्शन इन ऑर्डर नॉट टू से द राइटर्स फेथ इन द गॉड, ये ऑप्शन आपको नजर आएगा और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो गया। देखिए कितना ट्रिक से निकाले हैं आप आंसर, पोस्ट मास्टर आंसर द लेटर, यानी आंसर में लेटर में जो आंसर दिया गया क्या दिया गया था, इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो जो पैराग्राफ में आपको मिल रहा है वही पैराग्राफ से आप आंसर निकाल के दे सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, कि हु इज़ द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ में जो लेखक कौन है, यानी कि जो डिस्क्राइब ये पैराग्राफ किया है इसका लेखक कौन है। देखिए आप थोड़ा भी आप किताब पढ़े होंगे ना, तो किताब से आप आंसर जान रहे होंगे कि गार्ड के बारे में या पोस्टमास्टर शब्द का प्रयोग किस पैराग्राफ में यूज किया गया है। आप इसे पढ़े होंगे तो आपको पता है कि इस पैराग्राफ का जो पोस्टमास्टर के बारे में जो बात की है किसने किया, कहा था लेंचो ने किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पैराग्राफ आपके बुक से दिया है, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसका करेक्ट ऑप्शन चुनना है। देखिए ए मैन हु टेक्स अवे एन अदर मैंस फ्रीडम इस डॉट 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 ऑफ हेटर्ड, अब यहाँ पर दिया है कि आदमी की जो स्वतंत्रता दूसरों की तरह, एक आदमी की तरह नहीं, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, या फ्रीडम मैंस फ्रीडम, ठीक है, एन अदर यानी दूसरे व्यक्तियों की तरह जो स्वतंत्र नहीं होता उसे क्या कहेंगे।
फ्रेंड बोलेंगे, ऐसा तो नहीं फ्रेंड को तो आप ये फ्रीडम बोलते नहीं हैं, ब्रदर को भाई को बोलेंगे नहीं, सपोर्टर को तो ऐसा कहेंगे नहीं। तो एक आदमी जो स्वतंत्र नहीं होता वो उसे क्या बोलेंगे, कैदी बोलेंगे, प्रिजनर। इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिजनर। अगला देखिए प्रश्न आपका क्या है 12 नंबर का, ये सब आपके बुक से जो दिया है सवाल, तो आपको थोड़ा सा बुक का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा डॉट 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 एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अब देखिए ऑपरेशन की बात करें, यहाँ शब्द पकड़ लीजिए ऑपरेशन। अब देखिए ऑपरेशन कब होगा, वाज विल अच्छा होगी तब होगा, देखिए कोई व्यक्ति अच्छा है तो उस समय तो ऑपरेशन किया नहीं जाएगा। अनविल वो अच्छा नहीं है तभी पे कोई जरूरत तो नहीं, हल्का सा बुखार आएगा तो मतलब उसका ऑपरेशन होने लगेगा तो ये भी नहीं होगा। गॉट इरिटेटेड यानी कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहा है तभी, ऐसा थोड़ा नहीं कोई आपका अब इरिटेटेड होने लगता है आपसे तो क्या उसका ऑपरेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। फेल इल यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी तभी जाकर उसका ऑपरेशन होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस शब्द को पकड़िए और इससे आंसर आप निकाल दीजिए, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है। अगला देखिए कि द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर यानी कि मैसूर और मंगलोर के बीच में जो ज़मीन है, इज डॉट 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 बाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मेन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका सही जवाब आप बताइए, ये भी आपका क्या दिया है, बुक से दिया है, ये आप बुक जब पढ़े रहेंगे तभी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इनहैबिटेड होगा तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको बुक पढ़े रहेंगे तभी आप आंसर उसका दे सकते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर का देखिए, ये मान लीजिए आप नहीं भी पढ़े हैं तभी इस पैराग्राफ का आंसर बहुत आसान तरीका से आप दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से 15 जो दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि देखिए ये आपका पैराग्राफ दिया है, अब इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। तो चलिए पहले आप प्रश्न को देखिए फिर इसके बाद पैराग्राफ में तो आंसर निकाल के सिखाई दिए हैं आपको, अभी तक आप आंसर निकालना सीख गए होंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज ए चैमेलियन। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ए डॉव है, ए पिजियन है, ए सरपेंट है या ए लिजार्ड है। अब देखिए शब्द पकड़िए सॉर्ट ऑफ थिंग, अब देखिए सॉर्ट ऑफ थिंग कहाँ पर लिखा है, ट्रू चैमलेस इज स्मॉल ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, देखिए यहाँ पर लिखा है ना सॉर्ट ऑफ थिंग, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है सॉर्ट ऑफ थिंग। अब यहाँ से देखिए सॉर्ट ऑफ थिंग से पहले क्या प्रयोग किया है, लिजार्ड, और ऑप्शन में देखिए लिजार्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, ये है लिजार्ड ना, आप इसका हिंदी में नहीं जा रहे, देखिए कितना आसान तरीका से इसका आंसर निकाल दिए, समझ में आ गया ना कैसे निकाल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डू यू सी इफ द ईयर इज नथिंग ऑन द ट्री। ये देखिए नथिंग ऑन द ट्री पकड़िए और इस पैराग्राफ में खोजिएगा, अभी पैराग्राफ आपको दिखा रहे हैं लेकिन पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, स्पैरो, ए पैरट, चैमेलियन या पिकॉक, ये ऑप्शन है पढ़ ली। अब चलिए दिखाते हैं आपको, देखिए ये आप पढ़ रहे थे, अब यहाँ से जब पढ़ते हुए आप आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पर लिखा है ना नथिंग ऑन द ट्री, क्या लिखा है यहाँ पे नथिंग ऑन ट्री, और इसके आगे लिखा है चैमेलियन, या क्या हो जाएगा ऑप्शन में, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में चैमेलियन दिया है तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए पैराग्राफ वाला आंसर कितना सटीक तरीका से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉर्स डन बाई ठाक। अब देखिए ये आपके बुक का है, आप थोड़ा सा बुक पढ़े रहेंगे तभी आप दे सकते हैं, लेकिन आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं, देखिए मान लीजिए आप बुक नहीं पढ़े फिर भी आप आंसर कैसे देंगे, डिसऑनेस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन यानी जो सिटीजन होते हैं नागरिक होते हैं वो क्या हो सकते हैं, अब बताइए कि डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट होंगे यानी कि वो बेईमान होंगे, पुअर गरीब होंगे, या काइंड हार्टेड होंगे, आप पढ़े होंगे तो आप थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप बता सकते हैं, तो क्या होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे। तो इसका सही जवाब होगा कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डेन बाई ठाट, या क्या सोचता है हॉर्स डेन बाई ठाट सिटीजन के बारे में क्या अपना राय रखता है, तो वो ईमानदारी का राय रखता है यानी ऑनेस्टी का राय रखता है उनके प्रति, ठीक है। इस तरह आप इसका निकाल सकते हैं। अगला देखिए कि बाई होम वाज हॉर्सेस डेन बाई ट्रिक्ड यानी ट्रिक्ड के बारे में आपको बताना है। अब बताइए जब आप ट्रिकी वाले चैप्टर पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे यंग बॉय था, नहीं यंग बॉय तो नहीं था, हैंडसम बॉय ऐसा भी नहीं था, ओल्ड मैन भी नहीं था, क्लेवर यंग लेडी थी, क्या थी, क्लेवर यंग लेडी की बात जिक्र किया गया था, तो क्या हो जाएगा एक क्लेवर यंग लेडी, इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ा भी बुक पढ़े होंगे ना तो आप इसका आसानी से आंसर इन प्रश्नों का दे सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, यह भी आपके बुक का ही है, देखिए कैसे आंसर देंगे। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। अब देखिए इसमें आप आंसर क्या दे सकते हैं, ये देखिए आप बुक पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, यहाँ पे क्या था, सेट फायर टू द हाउस, यहाँ पे क्या था, सेट फायर टू द हाउस। अगला प्रश्न देख लीजिए, मिसेज हॉल वॉज कन्विंस्ड डैट द रूम वॉज हंटेड बाई। अब देखिए इसके बारे में आप पढ़े रहेंगे बुक, तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं स्पिरिट्स, तो इसका सही जवाब इस ऑप्शन के अनुसार स्पिरिट्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न आपका क्या है, वन थिंग डैट रिसार्ट कुड डू इज द प्ले फुटबॉल था, कलेक्ट थिंग था, स्विम एक्रॉस द प्ले बेसबॉल था। देखिए एक आदमी डेट रिचार्ड जो है आप पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सही है मिट गया है, यहाँ पे इसका सही जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कलेक्ट थिंग्स हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए आपको अंग्रेजी के पेपर के हल करने का सबसे आसान तरीका आपको बताए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा बुक का सहारा लेना पड़ेगा, बुक पढ़े रहेंगे थोड़ा सा आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी के पेपर हल करने का जबरदस्त का ट्रिक बताए हैं, यदि आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा।